22 मई को छतरपुर में भगवान नरसिंह का अखंड रामायण पाठ के साथ प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा। इसको लेकर छतरपुर के भगवान नरसिंह मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। धार्मिक कार्यक्रमों के साथ इस उत्सव को मनाने की तैयारी है। छतरपुर शहर के पन्ना रोड पर स्थित नरसिंह मंदिर में 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ कराया जा रहा है, जिसकी बैठकी मंगलवार को प्रातःकाल हुई। मंदिर में धूमधाम से भगवान नरसिंह का प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा। मंदिर समिति के पंडित रविकांत मिश्रा ने बताया कि नरसिंह मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान नरसिंह का प्राकट्योत्सव धूमधाम से मनाया जाना है। इस वर्ष आयोजन के तहत 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ भी मंदिर में कराया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मंगलवार को हुआ। कल यानी 22 मई को अखंड रामायण पाठ के विश्राम के साथ मंदिर में भगवान नरसिंह का अभिषेक, शोभायात्रा, हवन पूजन और विशाल भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। उन्होंने समस्त धर्म प्रेमियों को इस आयोजन में शामिल होने की अपील की है। भगवान का सुबह प्रातःकालीन मंजन अभिषेक होगा, इसके बाद शाम शाम जन्म उपलक्ष मनाया जाएगा। सभी भक्त एकत्र होकर के धूमधाम से यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है और इस बार प्रखट रूप से श्री नरसिंह भगवान की ही कृपा से आज रामायण की बैठकी हुई है और सभी लोग आकर के इस महिमा का आनंद ले रहे हैं। और क्योंकि नरसिंह भगवान भक्तों पर रक्षा करने वाले हैं, उन्हीं के सभी आराध्य हैं और जो भी उनको मानता चला रहा है उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते आए हैं। जैसे भगवान नरसिंह प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे, इसी प्रकार नरसिंह भगवान भक्तों की रक्षा के लिए अपने भक्तों पर सदा कृपा करते रहते हैं और भगवान का ही आशीर्वाद हम लोग रहते हैं। सभी भक्तगण आकर के ये सभी का मन मंदिर भगवान का, यहाँ ये मन मंदिर है तो ये भगवान का है। यहाँ जन्म मिला है हमको, अहीरा जन्म मिला है मुझको, व्यर्थ न खोले देना है तो भक्ति मार्ग में रह करके नरसिंह भगवान का सेवा करें और आनंद लें। कल प्रखट रूप में बढ़िया पूजन हवन होगा, इसके बाद भंडारा होगा आनंद की महिमा का। कितना प्राचीन मंदिर है, यदि बात करें मंदिर की इतिहास को लेकर? ये बहुत पुराना मंदिर है, कम से कम हम ही 80-86 वर्ष से तो पुराना ही है। कम से कम यहाँ बहुत से लोग जुड़े हैं और इस मंदिर से ही सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। और हमें जब से यहाँ हम रहे हैं, कम से कम 25-26 साल हो गया हमको, उनके बाद महाराज जी रहे, सभी लोग एकत्र होकर के वृंदावन पुजारी जी रहे, राजा जी जी, इसके बाद चोरी चले गए थे, डंडी स्वामी महाराज थे उन्हीं और होशियार सिंह कलेक्टर साहब थे, उन्हीं का आशीर्वाद से इसका पुनर्जीर्णोद्धार हुआ। फिर नए सिरे से सभी लोग भक्त लोग जुड़ते गए और उद्धार होता गया, विकास होता गया। नरसिंह मंदिर में पूजा भी करता हूँ और ये बहुत उत्साह है हम लोगों को कि नरसिंह जयंती में साल भर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी और विगत वर्षों से सभी दिन से चला आ रहा है और सभी लोगों को खुशियां होती हैं और प्रसाद वितरण वगैरह भंडारा वगैरह बढ़िया चलता रहता है, उसी में हम लोग सब खुशियां मनाते रहते हैं। यही हमारी सभी भक्तों से पहले के सब लोग इस धर्म कार्य के लाभ में सहयोग करें एवं अपना प्रसाद ग्रहण करें।